वो सिगरेट फूक रहा आंटी देखो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और हम लोग को दीपेश भाई और भाविन भाई नासिक की बाजार घुमाने लेके जा रहे हैं, तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे वहाँ पे आके, देखेंगे क्या खरीदने लायक है कि नहीं। तो दीपेश भाई खड़े हैं मेरे लिए, और देखिए ये ग्रीन जिम है, ऐसा बांकुड़ा में होना चाहिए भाई। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द मार्केट। 1 hour later ग्रेप एम्बेसी। ग्रेप्स किधर है? ग्रेप्स ऐसा मतलब आप लोग कोई भी खा सकते हैं ना क्या? उतार उतार के यार, एक भी ग्रेप्स नहीं दिख रहा यार। सीजन नहीं है ना इसलिए मे बी, लेकिन काफी अच्छा है ना, ऐसे अच्छा लग रहा है। भीतर भीतर खाने का भी है ना रेस्टोरेंट, भीतर रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे सीटिंग वहाँ साधना मिसल में जैसी थी ना वैसी यहाँ पे सीटिंग है ना, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है। फिलहाल अभी हम लोग को तो भूख नहीं है, तो हम लोग कुछ खाएंगे नहीं। और भी वहाँ पे कुछ है ना, और भी मतलब घूमने का है सामने, तो घूम के आते हैं उस। और स्मोक पान इधर है जो शंभू को ट्राई करना था। इस साधना मिसल में जब मैंने स्मोक पान ट्राई किया था तब शंभू ने भी किया था, मैंने वीडियो भी लिया था, बट वीडियो मतलब अच्छे से हुआ नहीं था। तो फिर अभी शंभू स्मोक पान फिर से ट्राई करेगा और वीडियो में लेंगे उसको, तो चलो करते हैं। स्मोक पान है, फायर पान है, चॉकलेट पान है, चटनी पान है, मगाई पान है, मसाला पान है। उनको क्या स्मोक पान ही करना है? उसका वीडियो लेके इंस्टाग्राम में डाल। वाह शाबाश बेटा। अच्छा अच्छा सही है भाई, लड़का सीख गया। सही है, करो करो। दीपेश भी ट्राई करेगा? किया है कभी? नहीं नहीं जी नहीं। तो पहली बार करेंगे, चलो अच्छे से लेना। ये अभी हम लोग के लिए स्मोक पान रेडी कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है मेरे को फूड ब्लॉगर बनना चाहिए, है कि नहीं? बन जाओ फूड ब्लॉगर, बनने में बहुत स्कोप है ना, क्या फ्री में खाना मिलेगा, ये बढ़ जाएगा। हाँ मैं, लेकिन ये बढ़ जाएगा भाई, तो अपने को फूड ब्लॉगर नहीं पोसाएगा। और यहाँ पे देखो ये सब फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत रकम रकम के फ्लावर्स हैं वहाँ पे, काफ़ी सुंदर है यार लोकेशन, अच्छा है। ग्रेप्स की सीजन ही है इसलिए एक भी ग्रेप्स नहीं लटक रहे ना, वरना तो यार मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि इतनी भीड़ होती है कि लाइन लगानी पड़ती है। तो साधना मिसल में तो हम लोग का लग अच्छा था, लेकिन इस बार लग अच्छा नहीं है, इस बार सीजन नहीं है इसलिए, और कुछ नहीं। बाकी सीजन होता है तो भाई ग्रेप्स इतने इतने लटकते हैं, आप लोग खा भी सकते हैं ना। हम लोग दवाई वाले अलग से देते हैं आप। अच्छा अच्छा, खाने के लिए अलग से ग्रेप्स देते हैं, लेकिन मतलब जो ग्रेप्स लटकते हैं वो देखने का मजा ही अलग होता है कि नहीं? लिक्विड नाइट्रोजन भैया निकाल रहे हैं। धुआं धुआं हो गया। Are you ready, Sambu? चलो चबाओ चबाओ, धुआं अपने आप निकलेगा। शंभू सिगरेट फूक रहा है आंटी देखो। सो आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके मुंह से धुआं निकलेगा? निकलने के बाद बोल। निकलने के बाद बोलेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन, ये देखो लिक्विड नाइट्रोजन कैसा लग रहा है देखो भाई साहब, बहुत ठंडा होता है ना ये, हाथ बात जम जाएगा पूरा। तो गलती से भी इसको ट्राई मतलब वो टच मत करना, भैया कर रहे हैं, भैया अपने सुपर हीरो हैं। मुंह खोलो भाई, मुंह में ले लो पान। क्या बोला तूने? पान ले लो मुंह में, चबाओ। नाक से निकल, चबाओ चबाओ चबाओ। उधर उधर उधर। वाह सही है भाई, मजा आया? कैसा टेस्ट लगा? अच्छा है ना? तो हम लोग अभी आए हुए हैं नासिक के सिटी सेंटर मॉल में, और मॉल के अंदर मैंने टोपी पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी धूप कहाँ से आ गई कि इसने कैप पहनी हुई है, बट टोपी मैंने इसलिए पहनी है बिकॉज सेक्सी लग रहा था, और टोपी का कलर मेरे को काफ़ी सही लगा,
इसलिए मैंने टोपी पहनी हुई है। मॉल काफी ज्यादा सही है भाई। एक ही मॉल है ना नासिक में अभी? दो है। कौन कौन सा? एक बिग बाजार कॉलेज रोड। अच्छा बिग बाजार। तीन है, बिग बाजार, पिनाकल मॉल। बिग बाजार, पिनाकल मॉल और सिटी सेंटर मॉल। सिटी सेंटर मॉल सबसे ज्यादा सुंदर ये वाला लगे ना। हाँ, ये बेस्ट है। इजी डेयर करके बंद हो गया। हाँ काफी सही है मॉल। गेम जोन में एंटर कर चुके हैं, अब अपने हिसाब की गेम खेलेंगे। तो हम लोग 500 वाला कार्ड बनवा रहे हैं, इसमें से हम लोग को बैलेंस मिलेगा 424 और सारी गेम्स का अलग अलग प्राइजिंग है। तो पैसा अगर ख़त्म हो गया तो फिर और एक बार रिचार्ज करवाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में जस्ट 500 रुपये का ही करवा रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग रिचार्ज करवाते रहेंगे। मोस्ट ऑफ गेम्स बच्चे लोगों की है, बट हम मतलब जो थोड़े एडल्ट लोग के लिए भी गेम्स हैं, तो मेरे हिसाब से 500 रुपये के अंदर हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। जोर से तंबू। किधर है भाई? 790। मेरी बारी। अरे मेरे से कम है, नहीं ज्यादा है। इसका 12 हो जाएगा, 1012 हो जाएगा। नहीं इतना नहीं होगा। मजा आया। नहीं हुआ। हाँ अब हुआ, देख शंभू का स्कोर देखते हैं। 1500 हाई स्कोर। बापरे हाई स्कोर 8600 है। शंभू ने सिर्फ 1500 मारे। रुक, भाविन भाई की बारी और एक बार। भाविन भाई 1500। ये बापरे ये तो मशीन ही तोड़ दिया भाई। तो शंभू और फिर से करेगा। शंभू 1500 क्यों है? ठीक है मेरी बारी, चल देखते हैं। अपना शंभू भाई कब से ठोके ही जा रहा है। शंभू को, शंभू अगर ऐसे चलाएगा तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा पक्का। अभी हम लोग ने ये वाला खेला, इसमें मैंने 2 बंडल निकाला और अभी हम लोग को फ्री में खेलने को मिलेगा 2 बंडल में। ये मसल में डालना पड़ेगा ना। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8 और दीदी इधर की जो नासिक की जो फेमस पानी पूरी है उधर लेके आई है। ये दीदी सिर्फ दीदी नहीं, भैया और सबको आए हैं। मैं भी आया हूँ भाई, मैं भी हूँ। हाँ तो और दीपू भाई तो ले रहा है उधर, वो ऑर्डर ले रहा है। फिर आती है तो हम आपको बताते हैं कैसे लगेगी। आप लोग को दिखाएंगे और आप लोग को जलाएंगे भी। और अभी ब्लॉगिंग शंभू को इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि वो भी सीखे थोड़ा ब्लॉगिंग करना, और उसका कैमरा का जो फियर है वो भी उसका दूर हो जाए।
धीरे भाई ने अपने चेन खरीदी है रील्स बनाने के लिए। नहीं नहीं तो टोपी खरीदी है वो दिखा। टोपी खरीदी मैंने ऑलरेडी दिखा दी कि मैंने टोपी खरीदी है। दीदी क्या क्या खाएंगे दीदी? पानी पूरी, भेल, रगड़ा पेटीस, रगड़ा पेटीस, इसका मुंह नहीं आ रहा है। सबका रिव्यू करेंगे ना। ओके ओके यार इतना सब कुछ खाएंगे, रिक्स लेके खाएंगे बिकॉज़ हम लोग को कल ट्रैवल करना है 8 घंटा। शंभू रिक्स ले ट्रैवल में कभी भी नहीं लगता है, ट्रैवलिंग में समझ रहे हो आप जो ये बोलता है ना उसको ही लगता है। तो थोड़ा संभल के खाना। 3-4 दिन था मैं। अरे वो 4 घंटे का रास्ता 5-6 बार हो गया, 8 घंटे का रास्ता। ट्रेन की जर्नी और बस की जर्नी में फर्क होता है भाई। ट्रेन में तुम आराम से लेट के जा सकता है और बस में उछल उछल के ऐसे ऐसे तो खाना बना पूरा हजम हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा। फूड ब्लॉगर जैसे बोलते हैं ना। और अभी भैया ने डाल दी मीठी चटनी और अभी तीखी चटनी डाल दी भैया ने। ओए होए 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 तो शंभू बताओ कैसा लगा? मस्तर जोरदार मस्तर। अभी पानी पूरी ट्राई करते हैं इधर की। एक नंबर। हम लोग के वहाँ पे क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में पानी पूरी के भीतर वो लोग आलू की सब्जी देते हैं, ठीक है? बट यहाँ आलू की सब्जी नहीं देते, यहाँ पे चटनी पानी खट्टा मीठा पानी वो सब डाल के देते हैं। बट फिर भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मज़ा गया। तो लास्ट टाइम नासिक के वड़ा पाव खा रहे हैं यार, बहुत याद आएगी। वैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहने वाले हैं अभी कुछ दिन, लेकिन नासिक का ये लास्ट दिन है तो नासिक के वड़ा पाव खाते हैं लास्ट टाइम। शंभू भाई तो मतलब खुद ही बना रहे हैं अपने वड़ा पाव, चटनी वटनी डाल के एकदम खिचड़ी बनाते रहे। वो वड़ा पाव नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। वेल डन। शंभू ने बड़ा सा मुंह खोला और निवाले का निकला दीवाला। भाई कल सुबह पनवेल के लिए निकलना है, देखो ये बस पनवेल जा रही है। शंभू कल सुबह पनवेल के लिए निकलना था ना, पनवेल जा रही है बस, चढ़ जा ऊपर चढ़ जा। सामान लेके नहीं है ना वरना चल जाता है। The next day. सो सुबह के 7 बज रहे हैं और ब्लॉग की एंडिंग मैं अभी कर रहा हूँ। ब्लॉग कल का था और आज 27 तारीख है और ब्लॉग की एंडिंग मैं आज कर रहा हूँ, पूरा एक दिन बाद। तो अभी हम लोग 9 बजे की हम लोग की बस है, हम लोग नासिक को बाय बाय बोलेंगे, नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे। नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है वो मैं आज वाले ब्लॉग में बताऊँगा आप लोग को। तो जल्दी से रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्लॉग को न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड मॉर्निंग।